हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं और आपको पता है एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं, उसमें नाभिक स्नेह अभिक्रियाओं के कुछ एग्जांपल चल रहे थे। और सबसे पहले उदाहरण की मैंने बात की थी कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया केसीएन के साथ की जाती है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ की जाती है पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो किसका निर्माण होता है? एल्किल साइनाइड का क्या होता है? निर्माण होता है, एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है और क्या निकलता है? KX, पोटेशियम क्लोराइड या हैलाइड। Cl होगा क्लोराइड, X होगा तो हैलाइड। तो जब एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड का क्या होता है? निर्माण होता है, एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। लेकिन जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम AgCN के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? AgCN के साथ कराते हैं, तो आपको पता है एल्किल साइनाइड का निर्माण ना होकर के किसका निर्माण होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। और मैंने बताया था यहाँ पर तो साइनाइड बनता है लेकिन AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनता है, इसका क्या कारण है? और ये कारण बताया था मैंने कि KCN है वो तो क्या एक आयनिक यौगिक है, क्या है? आयनिक यौगिक है। और यहाँ पर नाभिक स्नेह कौन? नाभिक स्नेह की तरह या नाभिक स्नेह आक्रमणकारी नाभिक स्नेह की तरह कौन व्यवहार करता है? साइनाइड का कार्बन एटम, साइनाइड का कार्बन परमाणु। लेकिन बात करें एल्किल हैलाइड की, जब AgCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? AgCN के साथ, तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसका रीजन क्या है कि AgCN जो होता है वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है। किसका होता है? सहसंयोजक प्रकृति का होता है। इस सहसंयोजक प्रकृति के कारण Ag और कार्बन के मध्य जो बॉन्ड है वो प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल बॉन्ड होता है और आसानी से नहीं टूटता है, आसानी से नहीं टूटता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करते हैं और इस एल्किल ग्रुप पर क्या कर देते हैं? आक्रमण। और R का जो बॉन्ड बनता है किसके साथ बनता है? नाइट्रोजन के साथ, अर्थात जो उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट, और नेक्स्ट कौन सी विधि है? एल्कोहलों का निर्माण, अर्थात एल्किल हैलाइडों से एल्कोहलों का निर्माण किस प्रकार की कर सकते हैं? एल्किल हैलाइड से एल्कोहल का जो निर्माण है हम किस टाइप से कर सकते हैं? तो देखो कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि हम जलीय, क्या? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि हम जलीय KOH, जलीय NaOH या जलीय Ag2O के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? सिल्वर ऑक्साइड के साथ। यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम जलीय KOH के साथ कराएं या जलीय NaOH के साथ कराएं या जलीय Ag2O के साथ कराएं, किसके साथ कराएं? Ag2O के साथ। तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है? एल्किल हैलाइड के हेलोजन परमाणु का जो प्रतिस्थापन है वो OH समूह द्वारा कर दिया जाता है। एल्किल हैलाइड के हेलोजन परमाणु का जो प्रतिस्थापन है वो OH समूह द्वारा कर दिया जाता है और किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। तो दोबारा से देखेंगे इसको, किस टाइप से एल्कोहल का निर्माण किया है, किस टाइप से एल्कोहल का निर्माण किया है। देखो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH, क्या है? जलीय KOH के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? KOH के साथ कराते हैं, तो क्या बाहर निकलता है? KX, पोटेशियम हैलाइड, और क्या बनता है? ROH, ROH, और क्या बाहर निकलता है? KX या पोटेशियम हैलाइड, और ROH क्या है? एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, क्या है? एल्किल एल्कोहल। और ऐसे यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया में जलीय NaOH के साथ करा दूं, किसके साथ करा दूं? जलीय NaOH के साथ करा दूं, तो जलीय NaOH के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? वही एल्कोहल का निर्माण होता है। लेकिन क्या बाहर निकलता है?
क्या बाहर निकलता है, तो इसमें NaX बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है, NaX बाहर निकलता है। तो देखो ROH और क्या बाहर निकलता है, NaX, सोडियम हैलाइड बाहर निकलता है, सोडियम हैलाइड बाहर निकलता है। अब मैं इनके एग्जांपल की बात करूं, किसकी एग्जांपल की, तो CH3 CH2 Cl प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा जलीय, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा जलीय, और जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब एथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, एथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो देखो क्या क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, एथिल एल्कोहल का निर्माण। देखो CH3 CH2 OH क्या बना, एथिल एल्कोहल, और क्या बाहर निकला, KCl पोटेशियम क्लोराइड, क्या बाहर निकला, पोटेशियम क्लोराइड, इसका क्या नाम होगा, एथिल एल्कोहल, क्या नाम होगा, एथिल एल्कोहल, और इसका क्या नाम है, एथिल क्लोराइड, क्या नाम है, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और मैं एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ले दूं, तो इसके यहाँ क्या आ जाएगा, जलीय NaOH। जैसे देखो ये CH3 ये CH2 ये Cl और ये क्या है, जलीय NaOH, क्या है, जलीय NaOH, क्या बाहर निकलेगा, NaCl, क्या बाहर निकलेगा, NaCl, और क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल, क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल, और क्या बाहर निकलेगा, NaCl बनेगा, एथिल एल्कोहल, और बाहर क्या निकलेगा, NaCl। तो एक चीज देखिए, यहाँ पर यदि SN1 अभिक्रिया की तरह हम व्यवहार करें रिएक्शन को, ये जो अभिक्रिया है SN1 अभिक्रिया की तरह संपन्न होती है, और आपको पता है SN1 जो अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ था, मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ था, और जब कार्बोकैटायन का निर्माण होता है तो आपको पता है कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी का क्रम है वो क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है, लेस स्टेबल है देन 3 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन CH3, अर्थात 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है सबसे अधिक स्थाई रहता है, उससे कम स्थाई रहता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और उससे कम स्थाई रहता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और सबसे कम स्थाई कौन रहता है, मेथिल कार्बोकैटायन। तो ऐसे ही यहाँ पर एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करें, एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी, तो आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होता है, जब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में से हैलोजन परमाणु बाहर निकले, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में से हैलोजन परमाणु बाहर निकले, तो यहाँ पर भी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की ज़्यादा किससे रहेगी, 1 डिग्री से, किससे, 1 डिग्री से, और 1 डिग्री की किससे रहेगी, मेथिल हैलाइड से। तो यहाँ मैं बात करूँ कि यहाँ पर किसमें, एल्कोहलों के निर्माण वाली इस अभिक्रिया में यह अभिक्रिया SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है, और इसमें विभिन्न एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता का क्रम है उसमें 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, या क्रियाशीलता का जो क्रम है 3 डिग्री मोर रिएक्टिव होता है, अधिक क्रियाशील रहता है, और उससे 2 डिग्री उससे कम क्रियाशील रहता है, 1 डिग्री उससे कम क्रियाशील रहता है, और मेथिल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील रहता है। तो बात करें हम कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KOH के साथ यदि थोड़ा सा गर्म कर दें उबालने पर ही यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। दोबारा से सुनेंगे, क्या सुनेंगे कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को जलीय NaOH या KOH के साथ उबालने पर ही, या उबालने मात्र ही थोड़ा सा क्या कर दें, गर्म, और उबलने लग जाए, उसी के दौरान ही क्या निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। तो बच्चों ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पर 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन है मोर स्टेबल है, इसलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो अधिक क्रियाशील हैं, क्या हैं, अधिक क्रियाशील, इसलिए 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड हैं इनको यदि जलीय NaOH या KOH के साथ क्या कर दें, उबाल दें, तो तुरंत ही क्या देते हैं, एल्कोहल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एल्कोहल का निर्माण करते हैं। लेकिन बात करें 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की,
2 डिग्री एल्केल हैलाइड, तो 2 डिग्री एल्केल हैलाइड में क्या होता है कि 2 डिग्री एल्केल हैलाइड में हम क्या है दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षारों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? दुर्बल क्षारों का, किसके लिए? एल्केल हैलाइड के CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए। दुर्बल क्षार कौन कौन से उपयोग में लेते हैं? एक तो रहता है सोडियम कार्बोनेट, क्या रहता है? सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे दुर्बल क्षारों का हम उपयोग इस CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए करते हैं। किसमें? 2 डिग्री एल्केल हैलाइड में। 2 डिग्री एल्केल हैलाइड की अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हम दुर्बल क्षारों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? दुर्बल क्षारों का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। किसकी? नेक्स्ट रिएक्शन की। तो आपने किसका निर्माण कर लिया? एल्कोहल का। किससे निर्माण किया था? एल्केल हैलाइड से। और किस एल्केल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ की थी? जलीय NaOH या जलीय KOH या जलीय Ag2O या जलीय Ag2O। और किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का। और इसमें हेलोजन एटम की या हेलोजन एटम की जो क्रियाशीलता का क्रम है वो 3 डिग्री मोर रिएक्टिव रहता है या 3 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील रहता है। उससे कम जो क्रियाशील रहता है 2 डिग्री रहता है। और सबसे और उससे कम क्रियाशील क्या रहता है? 1 डिग्री रहता है। क्या रहता है? 1 डिग्री। और 3 डिग्री एल्केल हैलाइड को, 3 डिग्री एल्केल हैलाइड को यदि जलीय NaOH KH के साथ उबाल दें तो किसका निर्माण होता है? 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। और 2 डिग्री एल्कोहल को प्राप्त करने के लिए, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त करने के लिए 2 डिग्री एल्केल हैलाइड की अभिक्रिया में किसका उपयोग करते हैं? जलीय NaOH के साथ साथ दुर्बल क्षार जैसे सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आपकी ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कि एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, नेक्स्ट विधि कौन सी है आपकी? नेक्स्ट विधि कौन सी है? चौथी विधि। और चौथी विधि कौन सी है एल्किल नाइट्राइट का निर्माण? किसका? एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। तो इसमें क्या है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, किसके साथ करा दूं? पोटेशियम नाइट्राइट, इसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्राइट KNO2, पोटेशियम नाइट्राइट, इसको शॉर्ट में लिखूं KNO2। देखो KNO2 क्या नाम होगा? KNO2। और ये क्या है? एल्किल हैलाइड। ये क्या है? एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराएं। किसके साथ कराएं? पोटेशियम नाइट्राइट के साथ। तो यहां देखो क्या बाहर निकलता है? पोटेशियम हैलाइड। क्या बाहर निकलता है? पोटेशियम हैलाइड। और क्या बनता है? एल्किल नाइट्राइट बनता है। क्या बनता है? एल्किल नाइट्राइट बनता है। क्या बनता है? एल्किल नाइट्राइट। और क्या बाहर निकलता है? KX। क्या बाहर निकलता है? KX। तो दोबारा से सुनेंगे एक बार कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराएं तो किसका निर्माण होता है? एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, ये जो पोटेशियम नाइट्राइट है ये किस प्रकृति का है? आयनिक प्रकृति का। किस प्रकृति का है? आयनिक प्रकृति का। और आयनिक प्रकृति के कारण यहाँ पर ये पॉजिटिव बन जाता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव इसमें ऑक्सीजन क्या है? अधिक विद्युत ऋणी है। अधिक विद्युत ऋणी है तो बंध के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? अपनी तरफ ट्रांसफर कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। अपनी तरफ खींचने का इस पर क्या जाता है? नेगेटिव। इस पर क्या जाता है? पॉजिटिव। ऐसे ही हैलोजन की बात करें तो हैलोजन परमाणु क्या करता है? बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। इस पर क्या आता है? नेगेटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के क्या बनाते हैं? KX। और यहाँ पर क्या आता है? पॉजिटिव कार्बोकैटायन। क्या बनता है? पॉजिटिव कार्बोकैटायन। और इस पॉजिटिव कार्बोकैटायन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके RONO एल्किल नाइट्राइट का क्या करता है? निर्माण करता है। एल्किल नाइट्राइट का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी। सबसे पहले तो इसमें एक एग्जांपल देख लो कि CH3CH2Cl इसकी अभिक्रिया यदि हम पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराएं। किसके साथ कराएं? पोटेशियम नाइट्राइट के साथ। तो देखो KX की जगह क्या निकलेगा? अब यहाँ X क्या है? Cl। क्या है? Cl। और क्या बनेगा? देखो CH3CH2O डबल बॉन्ड O। तो क्या हो गया? एथिल नाइट्राइट। क्या नाम होगा? मेथ एथ। दो कार्बन के लिए एथ। और ये क्या है? नाइट्राइट। तो क्या बनेगा? एथिल
नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट, और क्या बाहर निकलेगा देखो इधर, KCl, क्या बाहर निकलेगा KCl। तो दोबारा से देखेंगे एक बार कि जब एल्किल हैलाइड या एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराते हैं तो एथिल नाइट्राइट का निर्माण होता है। और यहाँ इसके नीचे लिख लेना, ये पोटेशियम जो नाइट्राइट है कैसी प्रकृति होती है इसकी, आयनिक प्रकृति, कैसी प्रकृति होती है, आयनिक प्रकृति। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये चौथी विधि हो गई एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। एल्किल नाइट्राइट का निर्माण कैसे किया आपने, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराते हैं, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराते हैं तो एल्किल नाइट्राइट का क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पर जो पोटेशियम जो नाइट्राइट है एक ऐसी प्रकृति का होता है, आयनिक प्रकृति का होता है, कैसी प्रकृति का होता है, आयनिक प्रकृति का होता है। अब नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करें, किसकी, नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है, देखो नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रो एल्केन का निर्माण, नाइट्रो एल्केन का निर्माण। अब नाइट्रो एल्केन का निर्माण देखो किस किस टाइप से करेंगे हम, नाइट्रो एल्केन का निर्माण नाइट्रो एल्केन का निर्माण नाइट्रो एल्केन का निर्माण एल्किल हैलाइड से कैसे करना है, देखो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट के साथ, किसके साथ कराऊं, सिल्वर नाइट्राइट के साथ, किसके साथ, सिल्वर नाइट्राइट, ये क्या है एल्किल हैलाइड, ये क्या है एल्किल हैलाइड, क्या है एल्किल हैलाइड, और ये क्या है सिल्वर नाइट्राइट, क्या है सिल्वर नाइट्राइट। थोड़ा हम पीछे की तरफ चलते हैं, शुरुआत में एल्किल हैलाइड की हम अभिक्रिया जो नाभिक स्नेह अभिक्रिया वो पढ़ रहे थे, एग्जांपल में जो पहला पढ़ा था मैंने साइनाइड का निर्माण, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, एल्किल साइनाइड का निर्माण। दूसरा मैंने पढ़ा था किसका निर्माण, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, क्या पढ़ा था, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। तो आपको पता है मैंने साइनाइड का जो निर्माण किया था, आपको पता है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब KCN के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, KCN के साथ, तो आपको पता है ये RCN के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा एल्किल साइनाइड बनेगा, क्या बनेगा एल्किल साइनाइड। लेकिन जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम AgCN के साथ कराते हैं, AgCN के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर देखो बनना तो क्या चाहिए था, ये R और ये CN तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए था, RCN अर्थात एल्किल साइनाइड ही, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एल्किल साइनाइड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है कि AgCN क्या है, या सहसंयोजक प्रकृति का, और AgCN जब सहसंयोजक प्रकृति का है तो Ag और कार्बन बॉन्ड के मध्य यह कैसा, वो कार्बन जो बॉन्ड है यह कैसा है, प्रबल बॉन्ड है, और आसानी से नहीं टूटता था, और आसानी से नहीं टूटा तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर नाइट्रोजन पर उपस्थित जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये नाभिक स्नेह की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करते हैं। और किसका निर्माण बताया था मैंने, ये एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। फिर मैंने नेक्स्ट बताया था कि यहाँ पर हम जो बात करते हैं एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ कराते हैं, साइन एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, लेकिन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम AgCN के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्यों, ये क्वेश्चन आता है कि समझाइए कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम KCN के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, लेकिन हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड की बजाय एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। समझ, क्यों, समझाइए कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ कराएं तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, लेकिन जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्यों, इसको आपको क्या करना है, कमेंट्स में देना है, क्या करना है, कमेंट्स में देना है। मैंने एक बार समझा दिया लेकिन आपको दोबारा से क्या करना है, ये सॉल्व करना है, और मेरे लिख करके किस में देना है, कमेंट्स में देना है, व्हाट्सएप पर सेंड करना है इस नंबर पर। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इससे पहले मैंने बताया था किसका नाम, किसका निर्माण, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, किसका निर्माण, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। अब ये नाइट्रो एल्केन का निर्माण, एल्किल नाइट्राइट के निर्माण में मैंने बताया था जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, तो क्या किसका निर्माण होता है, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण हुआ था इससे पहले जो हमने पढ़ी थी।
लेकिन वहां मैंने बताया था जो KNO2 जो होता है वो कैसी प्रकृति का होता है, आयनिक प्रकृति। कैसी प्रकृति का? आयनिक प्रकृति। और आयनिक प्रकृति के जो कारण ही इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, और यहाँ से टूट करके ये एल्किल हैलाइड ये KX के रूप में बाहर निकल जाता था और ये RONO अर्थात एल्किल नाइट्राइट का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? एल्किल नाइट्राइट का निर्माण हुआ था। लेकिन इसकी अभिक्रिया हम बात करें, यहाँ पर निकलता तो AgHX है और RONO की बजाय ये तो एल्किल नाइट्राइट ही हो गया, नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। इसका रीजन क्या है इसको समझेंगे कि यहाँ पर एल्किल नाइट्राइट का निर्माण ना होकर किसका निर्माण होता है? नाइट्रो एल्केन का। और नाइट्रो एल्केन का निर्माण कैसे होता है उसको समझेंगे। आपको पता है कि यहाँ Ag जो सिल्वर है, सिल्वर ऑक्साइड जो बंद है, अर्थात AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, क्या है? सिल्वर नाइट्राइट। इसकी जो प्रकृति है वो सहसंयोजक प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? सहसंयोजक प्रकृति। इस टाइप की सहसंयोजक प्रकृति। इस सहसंयोजक प्रकृति के कारण Ag और ऑक्सीजन के मध्य जो बॉन्ड है ये प्रबल बॉन्ड होता है। किस टाइप का बॉन्ड होता है? प्रबल बॉन्ड। और प्रबल बॉन्ड होने के कारण ये आसानी से नहीं टूट पाता है, आसानी से नहीं टूट पाता है। जब आसानी से नहीं टूट पाता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये इस एल्किल हैलाइड के कार्बन परमाणु को दिए जाते हैं और R और N के मध्य क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। और ये नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले इसके नीचे लिखेंगे सिल्वर नाइट्राइट किस प्रकृति का होता है? सहसंयोजक प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? सहसंयोजक प्रकृति का होता है। सहसंयोजक प्रकृति के कारण Ag ऑक्सीजन के मध्य जो बॉन्ड है ये प्रबल रहता है, अर्थात आसानी से नहीं टूटता है। जब आसानी से नहीं टूटता है तो आपको पता है नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं और इस एल्किल हैलाइड के कार्बन परमाणु या एल्किल परमाणु को ये इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर दिए जाते हैं? डोनेट कर दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, जिसके कारण R नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और किसका निर्माण होता है? नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। या मैं इसको इस टाइप से भी लिख दूं, RNO2 नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, ये एल्केन, ये नाइट्रो एल्केन। देखो एग्जाम्पल की हम बात करें तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराते हैं, तो आपको पता है किसका निर्माण हुआ था? एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है। लेकिन हम इसकी अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की ही अभिक्रिया किसके साथ? सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराएं। किसके साथ? सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराएं तो प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। क्यों? समझाइए, दोबारा से सुनेंगे एक बार, दोबारा से क्या सुनेंगे कि जब एल्किल हैलाइड, यहाँ भी एल्किल हैलाइड और वहाँ भी एल्किल हैलाइड, इससे जो पहले कराई है मैंने एल्किल नाइट्राइट के निर्माण वाली में, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराई थी इससे पहले, तब एल्किल नाइट्राइट का निर्माण हुआ था। लेकिन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराते हैं तो यहाँ एल्किल नाइट्राइट का निर्माण ना होकर के किसका निर्माण हुआ है? नाइट्रो एल्केन का निर्माण हुआ है। तो क्यों हुआ ये निर्माण, इसको समझाइए, इसको समझाइए। अब देखो मैं एग्जांपल करा देता हूँ, CH3CH2Cl AgO(N)O। देखो यहाँ ये बाहर निकलेगा निकलने को तो, लेकिन नाइट्रोजन पर उपस्थित आपको ध्यान होना चाहिए, ये सिल्वर जो नाइट्राइट है कैसी प्रकृति का है? सहसंयोजक प्रकृति। कैसी प्रकृति का है? सहसंयोजक प्रकृति का है। इस सहसंयोजक प्रकृति के कारण या ऑक्सीजन के मध्य, ये ऑक्सीजन सिल्वर और ऑक्सीजन बॉन्ड ना टूट करके क्या होता है? नाइट्रोजन पर उपस्थित जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये कहाँ दिए जाते हैं? यहाँ दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता के कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है। जब अपनी तरफ लेता है तो इस पर कार्बोकेटन अथवा धनावेश आता है और धनावेश पर नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाते हैं
और किसका निर्माण होता है? नाइट्रो एल्केन का निर्माण। और एल्केन कौन सी है? एथेन, क्योंकि दो कार्बन परमाणु के लिए एथ एकल बॉन्ड है, क्या आएगा? एन। तो क्या हो गया? नाइट्रो एथेन। किसका निर्माण? नाइट्रो एथेन का निर्माण हुआ है। क्या निकला है बाहर? AgCl। क्या बाहर निकला है? AgCl। क्या बाहर निकला है? AgCl। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले जो इससे पहले नेक्स्ट हमने बात की थी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCl के साथ कराई एल्किल साइनाइड, लेकिन AgCl के साथ कराई थी तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हुआ था। मैंने बताया KCN आयनिक प्रकृति का, AgCN से संयोजक प्रकृति का है। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बताया था? नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण। और एल्कोहल का निर्माण कैसे किया था? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ? जलीय NaOH KOH दोनों क्या है? जलीय या जलीय Ag2O के साथ कराते हैं, तो किसका निर्माण हुआ था? एल्कोहल का। और मैंने इसमें एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम भी बताया था कि 3 डिग्री एल्कोहल है, सॉरी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो मोर क्रियाशील अर्थात अधिक क्रियाशील होते हैं, और 2 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वो कम क्रियाशील, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होते हैं। और मैंने उसमें बताया कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को यदि हम जलीय NaOH KOH के साथ उबाल दें तो ही एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो जाता है, लेकिन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं हम? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय NaOH और KOH के साथ साथ इसमें कुछ दुर्बल क्षार भी मिलाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, और एल्किल 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। फिर मैंने बताई थी एल्किल नाइट्राइड का निर्माण, एल्किल नाइट्राइड का निर्माण किससे किया था? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं तो एल्किल नाइट्राइड बनता है, लेकिन सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराते हैं, सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन का क्या होता है? निर्माण होता है। और मैंने बताया कि वहाँ पर पोटेशियम ऑक्सीजन के मध्य जो बॉन्ड है वो आयनिक प्रकृति का होता है, अर्थात मैं बोल दूँ KNO2 आयनिक प्रकृति का होता है, जबकि AgNO2 सहसंयोजक प्रकृति का होता है। और आयनिक प्रकृति के कारण KNO2 आसानी से पोटेशियम ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रीक हो जाता है, टूट जाता है। और यहाँ पर Ag ऑक्सीजन के मध्य ये क्या है? सिल्वर नाइट्राइड, और ये क्या है? सहसंयोजक प्रकृति का, सहसंयोजक प्रकृति के कारण ये आसानी से बॉन्ड नहीं टूटता है Ag और ऑक्सीजन के मध्य। तो यहाँ पर नाभिक स्नेह की तरह कौन आक्रमण करता है? नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट्स कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कमेंट्स कर सकते हो कि सर हमारे मेरे पे यहाँ पे समझ में नहीं आया, और हम आपसे जल्दी ही कॉन्टैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम 5 विधि तो पढ़ चुके हैं, या 5 नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल तो पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ईथर का निर्माण, किसका निर्माण? ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण कैसे करते हैं? देखो नेक्स्ट बात करते हैं ईथर का निर्माण, किसका निर्माण? ईथर का निर्माण। और ईथर का निर्माण कैसे करते हैं? देखो जलीय हमने क्या किया कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय Ag2O के साथ कराते हैं, किसके साथ? जलीय Ag2O, जलीय Ag2O को मतलब ये देखो AgOOAg, अब इसको जल में डिजॉल्व करें तो इसको HOH, तो देखो यहाँ से टूटेगा तो ये AgOH का मॉलिक्यूल तो ये बना, ये बॉन्ड इसके साथ, और AgOH का ही मॉलिक्यूल क्या बना? यहाँ बना, ठीक है। अब इस AgOH की अभिक्रिया में इसके साथ करा दूँ तो यहाँ देखो ये AgX बाहर निकला और क्या बना? एल्कोहल। क्या बना? एल्कोहल, जो कि मैंने पहले बताया था एल्कोहल के निर्माण की विधियों में क्या बताया था? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय NaOH KOH जलीय Ag2O के साथ कराएं तो किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का। लेकिन मैं यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराऊँ Ag2O के साथ कराऊँ, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराऊँ Ag2O के ही साथ कराऊँ, लेकिन Ag2O कैसा होना चाहिए? शुष्क होना चाहिए, जलीय नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ही कराऊँगा किसके साथ? Ag2O के साथ ही, लेकिन यहाँ पर जलीय ना होकर के क्या है? ये शुष्क है। क्या है? शुष्क है। तो यहाँ पर शुष्क Ag2O के साथ इसकी अभिक्रिया कराऊँ
तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है? ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ईथर का निर्माण होता है। कैसे हुआ है देखो, इसको समझो। मैं यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एल्केल हैलाइड के हैं, तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ RX, और यहाँ पर Ag2O को मैं इस टाइप से खोल कर लिख सकता हूँ Ag2O Ag, और नंबर कितने हैं? दो। क्या हो गया? 2O। और फिर दोबारा से मैं एल्केल हैलाइड को, क्योंकि यहाँ एल्केल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल लिए मैंने? दो। और यहाँ पर Ag2O को मैंने क्या कर दिया है? खोल कर लिख दिया है। तो ये क्या है? AgX। और ये भी क्या है? AgX सिल्वर हैलाइड। और ये भी क्या है? सिल्वर हैलाइड। दोनों कितने मॉलिक्यूल बाहर निकले सिल्वर हैलाइड के? दो। कितने निकले? दो। तो यहाँ देखिए R O R ईथर, और किसका निर्माण हुआ? AgX का। और कितने मॉलिक्यूल बाहर निकले? दो मॉलिक्यूल बाहर निकले। तो ये रिएक्शन आपकी समझ में आ रही होगी कि मैंने दो एल्केल हैलाइड जो लिखा है वो क्यों लिखा है कि दो एल्केल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क Ag2O के साथ करानी है। किसके साथ? शुष्क Ag2O के साथ करानी है। यदि जलीय के साथ करा दी तो एल्कोहल का निर्माण होता है। यदि शुष्क के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है, और इसका निर्माण है डाई एल्किल ईथर। क्या निर्माण है? क्या नाम है? सॉरी, डाई एल्किल ईथर। क्या नाम है इसका? डाई एल्किल ईथर। क्या नाम है? डाई एल्किल ईथर। अब एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, CH3 CH2 Cl, और फिर ऐसे ही Ag2O मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ। अब क्या लिख रहा हूँ? एक साथ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ समझा दिया है दो मॉलिक्यूल को खोल करके किस टाइप से लिखना है। इस टाइप से कि CH3 CH2 Cl, फिर Ag2O लिखना है, फिर क्या लिखना है? Cl CH2 CH3। और क्या निर्माण होगा? CH3 CH2 O CH2 CH3, और दो AgCl के मॉलिक्यूल का क्या होगा? निष्कासन होगा, और इसका नाम क्या है? डाई एथिल। देखो C2H5 C2H5, क्या है? C2H5 और C2H5, तो इसका क्या नाम होगा? डाई एथिल। क्या नाम होगा? डाई एथिल। और O का मतलब ईथर बीच में आ जाता है, तो इसका क्या मतलब है? ईथर। क्या है? ईथर। तो आपकी समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा कि जब एल्केल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क Ag2O के साथ कराते हैं, किसके साथ? शुष्क Ag2O के साथ कराते हैं, तो इस स्थिति में ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ईथर का निर्माण होता है। तो अब मैं इसी में और एक और बात करता हूँ। ईथर का निर्माण एक विधि द्वारा और करते हैं, जिसे कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। और विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या है, समझेंगे उसको ध्यान से। क्या समझेंगे? देखो, विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या है? या तो मैंने बताया था आपके लिए कि क्या बताए थे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क Ag2O के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ईथर का निर्माण होता है। लेकिन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ही हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा दें, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, ये एल्कोक्साइड, तो इधर देखेंगे ध्यान से, ये क्या बाहर निकला? NaX। क्या बाहर निकला? NaX। और ये क्या बता? डाई एल्किल ईथर। और क्या बाहर निकला? NaX। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो डाई एल्किल ईथर का निर्माण होता है। डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है, और इससे ही हम विलियमसन ईथर संश्लेषण के नाम से जानते हैं। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ईथर का निर्माण होता है, और इसी अभिक्रिया को हम विलियमसन ईथर संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विलियमसन ईथर संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों देखो, आपने अब तक छह विधि पढ़ चुके हैं,
प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की छह विधि को पढ़ चुके हैं। छह विधि में सबसे पहले क्या पढ़ा आपने, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, एल्किल साइनाइड का निर्माण किससे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे की थी, पोटेशियम साइनाइड के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। दूसरी की हम बात करें कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ, तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, और इसी में मैंने बताया था कि CN के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड, लेकिन AgCN के साथ कराएं तो क्या किसका निर्माण हुआ है, AgCN के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हुआ। मैंने बताया कि CN आयनिक प्रकृति का होता है जबकि AgCN सहसंयोजक प्रकृति का होता है। फिर मैंने बताया एल्कोहल निर्माण की विधियां, एल्कोहल का बनना किसके साथ, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH NaOH या जलीय Ag2O किसी के साथ भी करा दें तो एल्कोहल का निर्माण होता है। यहाँ पर मैंने विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का भी क्रम बताया है कि क्रियाशीलता का क्रम क्या बताया है कि 3 डिग्री एल्कोहल है वो जलीय NaOH या KOH या Ag2O के साथ नाम मात्र यदि उबाल दें तो वो 3 डिग्री एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, और 2 डिग्री की बात करें, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है उसमें कुछ दुर्बल क्षारों का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उससे सबसे कम 1 डिग्री होता है, किसका होता है 1 डिग्री। फिर मैंने बताई थी एल्किल नाइट्राइड का निर्माण, और किससे बताया था, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैंने पोटेशियम नाइट्राइड के साथ कराई थी, किसके साथ, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, और पोटेशियम नाइट्राइड के साथ जब कराई थी तो किसका निर्माण हुआ था, एल्किल नाइट्राइड का निर्माण हुआ था। और मैंने ये भी बताया है पोटेशियम जो नाइट्राइड होता है वो आयनिक प्रकृति का होता है। और फिर उसके बाद मैंने बताई थी नाइट्रो एल्केन का निर्माण किससे किया था, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराते हैं, किसके साथ, सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। तो मैंने ये बताया कि यहाँ सिल्वर जो नाइट्राइट है वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो एटम है सिल्वर नाइट्राइट में वो नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करता है और अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है या दे देता है, इसलिए यहाँ पर नाइट्राइट या एल्किल नाइट्राइट का निर्माण ना होकर नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट मैंने बात की थी ईथर का निर्माण, ईथर का निर्माण, और ईथर के निर्माण मैंने क्या बताया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क Ag2O के साथ कराएं, Ag2O के साथ कराते हैं, लेकिन ध्यान रखना है Ag2O कैसा होना चाहिए, शुष्क, यदि जलीय ले लिया तो क्या बनेगा, एल्कोहल, क्या बनेगा, एल्कोहल, तो शुष्क Ag2O के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, आपको पता है शुष्क Ag2O में ईथर का निर्माण होता है। और एक और इसी में हमने बताया ईथर का निर्माण यदि हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएं, किसके साथ कराएं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएं, तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो आपको पता है किसका, ईथर का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को विलियमसन्स ईथर संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। इसका एक मैं एग्जांपल बताऊं, ये RX है और यहाँ पर यह RX मतलब RCl या सॉरी CH3CH2Cl प्लस NaOC2H5 NaOC2H5 इसका नाम क्या, सोडियम एथोक्साइड, क्या नाम हो गया, सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड क्या है, देखो यहां पर क्या निकला, NaCl, और क्या बना, CH3CH2OC2H5, इसका नाम क्या हुआ, डाई एथिल ईथर, क्या नाम हो गया, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो मैंने अब तक 6 विधियों का यहाँ पर आपको बता दिया है, 6 विधियों के बारे में। तो बच्चों आपके लिए एक मैसेज है, सबसे पहले तो मैसेज क्या है कि यदि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, साथ में यदि आपको जैसे उससे समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपके घर पर क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ध्यान रखना है आपको कि कुछ क्या है, जो ओल्ड यहाँ की फैकल्टी थी पुरानी, वो आपको क्या है, मिसगाइड कर रही हैं। ध्यान रखना, कोई मेरा नेचर इस टाइप का है, मैं किसी भी टीचर को कम नहीं समझता हूँ, कोई सब टीचर अपने आप में वेल क्वालिफाइड हैं, सभी कुछ ना कुछ मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो मिसगाइड करने वाले, जो उंगली उठाने वाले होते हैं, आपको बताएं 3 उंगली उठाने वाले की तरफ होती हैं, 1 उंगली सामने वाले की तरफ होती है, उंगली वो ही उठाते हैं जिनमें कुछ कमियाँ रहती हैं, तो ध्यान रखना है मेरा, मैं इस टाइप का नेचर है, मैं किसी भी टीचर को कभी भी इस टाइप से वो नहीं करता हूँ, सभी मेरे लिए जितने भी टीचर्स हैं रेस्पेक्टेड हैं, सभी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, लेकिन आप
किसी को भी, जैसे आपको कोई भी टीचर भड़का रहा है, जो मिस वर्ल्ड इसकी फैकल्टी थी, तो आपको पता है जैसे ट्यूब होता है, ट्यूब में हम हवा भरते हैं, ट्यूब खुद फूलता है, ट्यूब में हम हवा भरते हैं, ट्यूब खुद फूलता है, और हम हवा भरते जाते हैं और वो एंड में क्या हो जाता है, फूट जाता है, क्या हो जाता है, फूट जाता है। तो ऐसे ही आपको नहीं बनना है कि आपको कोई ओल्ड टीचर ओल्ड फैकल्टी आपको क्या है, हवा भरे, आपको विचलित करे और हम क्या है, फूट जाएँ, आप क्या हो जाएँ, डैशनेस हो जाएँ, नष्ट हो जाएँ। तो इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है, अपने अकॉर्डिंग चलना है। टीचर मैं उसी को रेस्पेक्टेड टीचर मतलब अच्छी टीचर समझता हूँ जो एक दूसरे टीचर को ना तो वो मिसगाइड करे, ना ही उसको भड़काए, और ना ही वो टीचरों के प्रति ऐसा ऐसी कुछ बात करे कि वो टीचर कुछ नहीं जानता है, ये नहीं जानता है, वो ये वो, तो पता तब चलता है जब आमने सामने टीचर होते हैं, आमने सामने टीचर होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मिसगाइड करने वाले वो ही होते हैं जिनमें कुछ कमियाँ रहती हैं, पहली बात कमियाँ रहती हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो मिसगाइड आपको कर रहे हैं उनको जवाब देना है रिजल्ट के बाद। कब देना है, रिजल्ट के बाद। अभी आप सहनशील पूर्वक पढ़ाई करो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके घर जाकर सॉल्यूशन करेंगे, घर जाकर सॉल्यूशन करेंगे। और जो भी यहाँ पर कोई फैकल्टी जो जितनी भी ला रहे हैं हम बेस्ट फैकल्टी लेकर आ रहे हैं, इसमें कुछ निसंदेह नहीं है। आप ट्वेल्थ के साथ साथ नीट की भी क्वेश्चन वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप कर दिया करो, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ध्यान रखना कि किसी टीचर के बहकावे में यदि आ गए हम तो ज़िंदगी भर तक बहकते डोलेंगे। सबसे पहले तो टीचर जो अभी यहाँ से छोड़ कर गए हैं ओल्ड फैकल्टी के, मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़े दुश्मन तो आपके वो हैं जो आपका एडमिशन इसमें दिलवा दिया और दिलवा करके वो आपको बीच में से ही छोड़कर चले गए, बीच में से छोड़कर चले गए। जब इतना ही आपका वो रेस्पेक्ट करते थे, इतना ही आपका वो बढ़िया भविष्य की सोचते थे, आपको बीच में नहीं छोड़कर जाना चाहिए था, बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था उनको, और आपको बदस्तूर पूरी ईयर पढ़ाना यहाँ चाहिए था, पूरी ईयर पढ़ाना चाहिए था, और बच्चों को भड़का करके इस टाइप से उल्टे सीधे। तो दिमाग को अपने को एकाग्रचित करें, उनके बहकावे में नहीं आएँ, उनके बहकावे में दिमाग ख़राब करें, उधर से कॉल सर ये वो ये फलान डैंक, इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अपने शांतिपूर्वक पढ़ाई करें, कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप निस्संदेह होकर बिना वह के मैसेज कर सकते हैं। मैं और हमारे उदयवान सर या देवेंद्र भाई साहब आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो घर पर भी आपके आएंगे क्या आप, और नोट्स बनाएं, लेकिन नोट्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा वो एक दो दिन में, जैसे जब जैसे इसको आप बुक से पढ़ें, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसको हाँ रफली आप लिखो, और मैं अपनी खुद मेहनत कर रहा हूँ और नोट्सों को क्या है मैं खुद सेल्फ तैयार कर रहा हूँ और आपके लिए अवेलेबल कराऊँगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, यदि बहकावे में आ गए तो ज़िंदगी भर तक इसी टाइप से बहकाने में भीड़ चाल, उसके चक्कर में आप फंस जाओगे, और ज़िंदगी भर तक उससे इधर से उसने वो हवा भर दी, उधर से उसने भर दी, और इधर से उधर लुढ़कते डोलोगे और एंड में क्या हो जाएगा, नहस तहस नहस हो जाओगे। तो मेरा तो ये कि कहना है खुद पर विश्वास रखें, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो निसंदेह होकर कोई भी बिना बहके फ़ोन करें, कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो। और मैं एक और मैसेज दे देता हूँ कि आप खुद जानते हो जब कहीं पर भी हम नई जगह पर जाते हैं तो प्रॉब्लमें आती हैं। क्यों आती हैं प्रॉब्लम, कि हम नए लोगों के साथ कनेक्टिविटी में आते हैं, और नए लोगों की इसकी ना तो हम सही तरह से लैंग्वेज पहचान पाते हैं, तो उनको पहचानने में 10-15-20 दिन आसानी से लग जाते हैं। नया जो कैंडिडेट जैसे मैं आया हूँ तो वो भी क्या है, भयभीत सही रहता है, तो अब मैं कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है, सब व्यवहार में खुल चुका है, सभी मेरे एक तरह से परिवार वाले इस टाइप का प्यार मिल रहा है। और आप तैयारी करें, कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो कोई भी कभी भी व्हाट्सअप मैसेज करें या कॉल करें, मेरे लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।